नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान, रात 10 बजे तक सदन चलना मतलब सदन जल्द समाप्त करना चाहती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान, रात 10 बजे तक सदन चलना मतलब सदन जल्द समाप्त करना चाहती है सरकार। आज फिर नर्सिंग घोटाले का मुद्दा सदन में उठाएगा विपक्ष। विश्वास सारंग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के 2 आवेदन दिए हैं, अध्यक्ष को चर्चा करना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 30 के आश्वासन के संकल्प पर बोले, सबको अपने अपने अधिकार है, सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है, ये उसी का हथकंडा है। देखिए, मैं ऐसे विषयों पर बात चर्चा नहीं करना चाहता हूं जो विषय जनता के मुद्दे हैं उनसे भटक के मुद्दों पर बात होती है। मैं ऐसे पे विश्वास नहीं करता हूं कि इन बातों में जवाब दूं। हाँ। सर, जेल के नियम बदले जा रहे हैं, आप कैसे मानते हैं कि जो मैंने आपको कहा कि अगर अंग्रेजों के समय के नियम है, अगर बदले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बदलना चाहिए नियम, इसमें क्या है। अगर कैदियों को सुविधाएं होना चाहिए, जो आज इतने सालों से उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिस प्रकार से भी है, मैं समझता हूं कि इसमें सर कोई दो राय वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सरकार, आज जो जानकारी मिली है कि विधानसभा की अनिश्चितकालीन के लिए करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी के व्यापम 2 से घबरा गई है। क्यों नहीं चर्चा कराना चाहते, क्यों 230 विधायक और उसमें 30 मंत्री है, 30 मंत्रियों को तो काम होते हैं, लेकिन 200 विधायकों का क्या, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के विधायक हो, उन्होंने आज अगर आज प्रश्न लगाए जनता के हित में, अपनी विधानसभा की बात करी, तो उनको क्या अधिकार नहीं है, क्या ये बिजनेस नहीं है। शासकीय कार्य अगर खत्म होता है तो क्या यहाँ ध्यान आकर्षण आते जाए, तो आपने क्यों ऐसी विधानसभा चलाना चाहते हो कि 14-15 दिन। सरकार डर गई है व्यापम 2 के इस घोटाले से, नर्सिंग कॉलेज के घोटाले से।